हेलो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप तो चलिए हम चलते हैं चैप्टर की ओर जिसमें आपकी दीवे हैं सेंटेंसेस एंड इट्स टाइप्स एज वी नो वेरी वेल अबाउट दिस सेंटेंसेस तो चलिए सबसे पहले सेंटेंस की डेफिनेशन को समझते हैं व्हाट यू मीन द सेंटेंस सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स सेंस मीन्स ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिससे कंप्लीट सेंटेंस और सेंस पता चलता है उसको हम सेंटेंस कहते हैं देखिए जैसे रेड में दिया हुआ है अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स सेंस जिसका मतलब बनता हो जो सेंटेंस का वह आपका सेंटेंस होता है क्लियर चलिए फटाफट से आते हैं इसके टाइप्स तो कितने टाइप्स होते हैं इसके हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस यस देयर आर फोर टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस पहला है assertive sentence Assertive sentence किसको कहते हैं? वह है sentence जो एक statement बनाता है है या या किसी किसी के के बारे बारे में में बताता हमें और इंफॉर्मेशन देता है या किसी पर्सन के, uh, के, के बारे में कुछ भी स्टेट करता है डिक्लेयर समथिंग और असर्ट समथिंग ठीक है जैसे दिस इज अ टेबल तो ये क्या है एक टेबल है टेबल के बारे में बता रहा है कल्पना हैज नॉट कम बैक होम अब यहाँ पे जो है बात किसकी हो रही है कल्पना कल्पना के बारे में बताया जा रहा है ठीक है तो उसको हम एसर्टिव सेंटेंस कहते हैं एसर्टिव सेंटेंस ऑल्सो कोल्ड डिक्लेरेटिव सेंटेंस उसको डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं अगर मैं खुद से एग्जाम्पल बताऊँ जैसे कि द डे इज वेरी हॉट तो डे के बारे में बात हो रही है यहाँ पे

नेक्स्ट है आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है दिस इज अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस सडन एंड स्ट्रांग फीलिंग्स सच एज सरप्राइज वंडर पीटी सिंपथी हैप्पीनेस और ग्रेटिट्यूड इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं वो क्या करते हैं स्ट्रॉन्ग इमोशन शो करते हैं जैसे आप खुश हो या एकदम से किसी चीज़ को देख के आश्चर्यचकित हो गए या आप बहुत ज्यादा खुश हो हैरान होगे किसी को देख के तो उसके लिए आप कुछ वर्ड यूज करते हैं और उसके साथ ये जो आपको ब्रैकेट में सिंबल दिया हुआ है एक्सक्लेमेशन मार्क यूज करते हैं जैसे हुरे द एग्जाम आर ओवर अल्लास द डॉग फेल इनटू द गटर नाउ लास्ट फोर्थ फोर्थ कौन सा है आपका इंपरेटिव इंपरेटिव सेंटेंस किसको कहते हैं एन इंपरेटिव सेंटेंस इज अ सेंटेंस व्हिच गिव्स अ कमांड Order, request, expresses of wishes, invitation, warning, और advice भी आपका imperative में ही आ जाता है तो बस आपको ये points याद रखने हैं। कुछ फाइव और सिक्स वर्ड्स हैं, वो आपको माइंड में रखने हैं और जो भी सेंटेंस इस चीज की इंफॉर्मेशन देता है वो आपका इम्पेरेटिव होता है तो चलिए किस चीज की इंफॉर्मेशन देता है लाइक कमांड ऑर्डर रिक्वेस्ट विश इन्विटेशन warning तो कुछ भी सेंटेंस आपका इन चीजों के बारे में अगर कहता है तो वो आपका इम्पेटिव होता है जैसे like example, अगर मैं order करती डोर या मैं किसी से रिक्वेस्ट करती हूँ प्लीज गिव सम फूड या मैं किसी के लिए विश करती हूँ हैव अ सेफ जर्नी और अगर मैं किसी को वार्न करती हूँ डोंट प्ले नाइफ या डोंट टच द स्विच बोर्ड तो सभी ये जो है आपके इस तरह के सेंटेंसेस जो होते हैं वो इम्पेरेटिव में आ जाते हैं तो चलिए हम पढ़ चुके हैं ऑफ सेंटेंसेस और फटाफट पे आते हैं एक्सरसाइज एक्सरसाइज करने से पहले हम कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स को रिमेम्बर कर लेते हैं कंप्लीट सेंस जो की एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाता है और पूरा जिसमें सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब होता है

आपका सेंटेंस कंप्लीट होता है तो आप लास्ट में फुल स्टॉप लगाना ना भूलें अब क्वेश्चन मार्क अगर क्वेश्चन मार्क से भी लोग बिलोंग करता है इंटरोगेटिव से बिलोंग से करता है तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाइए और अगर एक्सक्लेमेशन मार्क से बिलोंग सेंटेंस है तो आप एक्सक्लेमेशन मार्क लगाइए उसमें नेक्स्ट पॉइंट है इसका इट मस्ट है वर्ब इन इट और इसमें वर्ब होना बहुत ही जरूरी है चलिए नाउ कम टू द एक्सरसाइज फर्स्ट है जैसे कि आपका दिस इज अ जम्बल वर्ड वी कैन सेव टू मेकेंस इनके न्यूज पेपर दैट द थीड से रॉक्ड दूसो

तो बी एक्सरसाइज में आपको बताना है ये जो underline sentences है, ये assertive है, interrogative, exclamatory या ए डबल एस assertive के लिए आई एन एक्सक्लेमेटरी के लिए ई एक्स और इम्पेरेटिव के लिए आई एम पी यूज करते हैं ठीक है तो फर्स्ट ऑलरेडी डन है assertive है सेकेंड आपका जो है हाउ टोल ही इज सो शोइंग मार्क हेल्प ऑफ दिस एक्सक्लेमेटरी मार्क यू कैन एक्सक्लेमेशन मार्क दिया होता है इसमें सो लास्ट में एक्सक्लेमेशन so, मार्क से आपने जल्दी से फाइंड आउट किया है ये एक्सक्लेमेटरी yes, बिलोंग करता है इंटरोगेटिव से बिकॉज एट द एंड क्वेश्चन मार्क इज गिवन हियर ठीक है फिफ्थ आपका इम्पेटिव है बिकॉज आपको क्या बता रहा है स्टॉप टॉकिंग अबाउट मी टू योर फ्रेंड तो आपको वो एडवाइस दे रहा है कि मेरे बारे में बात मत कीजिए अपने फ्रेंड से ठीक है है आपका दे वर मीटिंग आफ्टर वीटिंग सो बिलोंग्स टू दी आपका है बिकॉज क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है और एट में सिट डाउन हियर एंड लिसन ये आपका कमांड और ऑर्डर में आ सकता है सेंटेंस

और नेगेटिव के और विद देयर आंसर्स हम एक्सरसाइज करेंगे सारी अपनी थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस प्लीज लाइक शेयर एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल बाय बाय टू ऑल